सागर के सिटी मजिस्ट्रेट सीएल वर्मा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट नंबर 2 के आसपास नो पार्किंग में रखे वाहनों की हवा निकलवा दी। दरअसल नवनिर्मित कलेक्ट्रेट भवन में आम लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं के ज्ञापन कार्यक्रम आदि के लिए हाल ही में कलेक्ट्रेट का गेट नंबर 2 हाल ही में खोला गया है। गेट खोलने के साथ ही यहाँ पर वाहनों का जमावड़ा बना रहता है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आने वाले लोग पार्किंग में वाहन खड़ा न करके यहाँ वहाँ मेन गेट के बाजू में ही बाइकें पार्क कर चले जाते हैं। ऐसे में गेट के पास आवागमन में व्यवधान होता है। कई बार मना करने पर भी वाहन चालक नहीं मानते हैं। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट सीएल वर्मा दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 2 के आसपास रखे वाहनों की हवा निकलवाने के आदेश दे दिए। कर्मचारियों के लिए एक एक कर करीब एक दर्जन मोटरसाइकिलों की हवा निकाली गई। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिला के लिए सागर कलेक्ट्रेट लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बनवाई है और इतनी सारी व्यवस्था की है, उसके बावजूद भी लोगों को हर जगह चिन्हित किया गया है कि वाहन यहाँ खड़े किए जाएं, इस जगह पे ये व्यवस्था बनाई गई, उसके बावजूद इधर उधर अगर वाहन खड़े कर देती है तो जनता यहाँ जनसुनवाई का भी दिन था परसों, जनसुनवाई के दिन लोग बाहर से आते हैं यहाँ पे, वो अपनी समस्याओं को लेकर के, और उनको जगह नहीं मिलती, लोग जगह बीच रास्ते में यदि वाहन खड़े कर देंगे तो उनको बार बार टोकने के बाद भी दूर अलग नहीं करते हैं, तब ऐसे ये कुछ व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के सागर से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।